असलम एवरीबडी वेलकम बैक टू लाइव विद फातमा कैसे आप सब लोग उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ और मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है यहां बजे हैं दोपहर के ढाई ढाई मिन ये नहीं कि मैं अभी उठी हूँ मैं बहुत पहले उठ चुकी हूँ घर में सबको ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया होम को नीड एंड क्लीन किया शावर लिया उसके बाद मैंने कहा अब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए तो मैं हाजिर हूँ

और फिर वो मैं अपनी मील लेती हूँ तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी मील में क्या है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं डाइटिंग वगैरह करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन अली साहब जो है वो मुझे करने नहीं देते <laughs> क्योंकि ये लोग सब जो है वो सुबह उठ जाते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं फिर वो अपने कुछ वर्क वगैरह जो उनको निपटाना होता है वो निपटाते हैं उसके बाद जब भूख लगती है तो वो जो है इस तरह की चीज़ें कुछ मंगा लेते हैं तो मैं भी उसका शिकार बन जाती हूँ और अगर पर्सनली बात अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं खुद भी इस तरह की चीज़ें खाना पसंद so, आपको दिखाते हैं कि आज हमारी मील में क्या है आज मैं क्या खाने लगी हूँ देख सकते हैं फूड हमारा आ चुका है फूड में है ये जो है चीजी फ्राइज हैं। अली साहब जो है ना मैं जितनी भी डाइटिंग करने जाऊँ वो ना तो खुद करेंगे ना मुझे करने देंगे और जो क्रिस्पी बर्गर है वो मेरा है जो है आप देखें कैसा सा ये बीफ बर्गर है ये है अली साहब का और मेरा कहाँ है मेरा जो है ये क्रिस्पी मेरा ये क्रिस्पी बर्गर है और बस ये हमारी आज की मील है हम इसे एंजॉय कर लें मैं अपनी मील ले लूँ उसके बाद मैं आप लोग से कंटिन्यू करती हूँ सो so फ्रेंड्स मील मेरी हो चुकी है मील को एज यूजल मैंने बहुत इंजॉय किया खूब मजे से खाया और उसके बाद जो है मैं अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू करने आ गई हूँ और आज मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आज मैंने भी अपने लिए ऑनलाइन कुछ शॉपिंग की है मीन्स आज नहीं की ऑर्डर मैंने दो तीन दिन पहले किया था आज डिलीवर हुआ है तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ये फालतू तो बता रहे हो मुझे यहाँ आपको नज़र तो आ गया होगा कि यहाँ पे आपको कुछ क्लोज नजर आ रहे हैं जी हाँ ये है मेरी ऑनलाइन शॉपिंग जो मैंने अपने लिए मंगाई है कुछ ज़्यादा नहीं है आ, कम है क्योंकि मुझे जो है थोड़ा साइज़ वगैरह में भी डाउट हो रहा था तो मैंने कहा पहले ट्रायल बेसिस में मंगा के देख लूँ उसके बाद जो है आ, अपना आ, जो अगर अच्छा लगा तो और देख लेंगे मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन कि मैंने बेसिकली क्या मंगाया आज ये तो खैर आप ये देख सकते हैं ब्लैक कलर का और आप समझ दिखाती हूँ मैं आपको ये तो आप देख रहे होंगे कि ब्लैक कलर की आप लोगों को टी शर्ट नज़र आ रही है और मैं आपको बताऊँ आप ज़रा मीन्स के कलर तो कैमरे में शायद सही से पता नहीं लग रहे होंगे लेकिन ये है बिल्कुल ब्लैक एक होता ना कि हम लोग को थोड़ा डार्क ब्लैक नहीं मिल रहा होता ये है बिल्कुल जेट ब्लैक और जो है लेडीज़ टी शर्ट है ये और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर भी स्टोर में गई थी तो मैं काफ़ी मतलब ना मैं बिल्कुल शॉर्ट नहीं पहनती बाहर जो है नॉर्मल साइज के पहन लेती तो ये मैंने पोलो से मंगाई है अब मैं आपको बताऊँ कि ब्लैक फ्राइडे से मुझे इसमें कितना डिस्काउंट मिला है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ साइज़ अभी मेरा लार्ज हुआ हुआ है लेडीज़ में तो साइज़ लार्ज है अब आप देख सकते हैं पोलो की ओरिजिनल टी शर्ट है और ये है फोटी डॉलर की मीन्स की डिस्काउंट के बाद मींस मुझे जो है डिस्काउंट मिला इसमें अच्छा खासा तो उसके बाद मुझे फोर्टी डॉलर की पड़ी डिस्काउंटेड और एक ये टी शर्ट है और पहनने में भी काफ़ी कम्फर्ट है मैंने ट्रायल किया ट्राई किया तो काफ़ी जो है सॉफ्ट इसका स्टफ है और काफ़ी कम्फर्ट है एक ये होगी दूसरी चीज़ है हमारा ये ट्राउज़र लेगिंग कह लें या टाइट्स कह लें जो भी ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा आ, मींस के ऑनलाइन जब मैंने देखा था जब भी मुझे अच्छा लगा था और जब डिलीवर हुआ है तो भी काफ़ी इसका स्मूथ सा आ, देखें स्टफ़ इसका कितना अच्छा सॉफ्ट है काफ़ी पहनने में भी ना बिल्कुल एक होता है ना कि अनकम्फर्ट हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा तो खैर ये इस तरह के कि आप किसी भी टी शर्ट वगैरह के साथ लॉन्ग टी शर्ट के साथ आप पहन सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका वो रहेगा तो एक ये ट्राउज़र है ये भी मुझे जो है काफ़ी जो है डिस्काउंट में फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट में मिला है दूसरा ये कि एक ये पैंट है ये भी आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की पैंट है ये मैंने पूरा ब्लैक एक सूट मंगा लिया था तो इसमें ये पैंट है ब्लैक कलर की और इसका स्टफ सीरियसली ही इसका स्टफ बहुत ज़बरदस्त है मीन्स कि मैं टाइट पैंट नहीं पहनती इस वजह से नहीं पहनती कि वो ना लेग्स वगैरह में ऐसे चुपक जाती मुझे काफ़ी ईचिंग वगैरह इस तरह का कुछ लगता है मैं मुझे ये होता है कि इतने टाइट्स लोग पहन कैसे ऐसे ले, लेते हैं लेकिन ये वो वाला टाइट नहीं है मीन्स कि लुक ने लुक वाइज तो टाइट है लेकिन अंदर से काफ़ी कम्फर्ट है इसका स्टफ बहुत अच्छा है बहुत ज़बरदस्त इसका स्टफ़ है तो एक ये मेरी पैंट है और तो मीन्स के मैंने एक ये पैंट मंगाई एक ये ट्राउज़र मंगाई एक पोलो की टी शर्ट मंगाई एक ये एडिडास का मैंने मंगाया है पैंट मंगाई मैंने एडिडास का ट्राउज़र पैंट जो भी आप कह लें ये बड़ा ही कोई ज़बरदस्त इसका, इसका स्टफ़ है मैं आपको डिटेलिंग में दिखाऊं इसको ये भी मुझे काफ़ी डिस्काउंट में मिल गया तो मैंने इसको मंगा लिया और बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही कंफर्ट है ये भी ये लूज में थोड़ा तो खैर तो ये काफ़ी ज़बरदस्त इसका लुक है ये बड़ी को ज़बरदस्ती इसकी पैंट ट्राउज़र जो भी आप कह लें बहुत अच्छा और ये बटन्स वगैरह ना ये पूरा एक ज़बरदस्त है आपके ऊपर है यहाँ पे ये होता है ना कि लोग इतनी दी बटन्स ओपन करके घूम रहे होते हैं एज़ ए फैशन के उस पर तो खैर मैं तो वैसा नहीं करूँगी लेकिन ये काफ़ी पूरी ऊपर तक बटन से बटनस है काफ़ी कम्फर्ट है ये और ये इसके मैं आपको प्राइस दिखाती हूँ इसके प्राइस क्या है ये भी ओरिजिनल एडिडास के स्टोर से मंगाइए और मुझे जो है जस्ट एटी डॉलर में ये पड़ी है पैंट तो खैर ये जो है जो भी मैंने स्टेप मंगाया है काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा डेर किया मैं ए, नहीं लेती मैं ऑनलाइन चीज़ें जो परचेस नहीं करना चाह रही होती क्योंकि मुझे ये होता है कि साइज़ सही आएगा कि नहीं आएगा आ, कोई चीटिंग ना हो जाए मींस के उल्टे सीधे कपड़े ना आ जाए क्योंकि फिर चेंज वेंज कराने का तो खैर होता नहीं है तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया इन सब चीज़ों को मंगाने का वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़बरदस्त रहा फर्स्ट टाइम मैंने ये डेढ़ किया क्योंकि मुझे शॉपिंग मॉल में कुछ खास समझ में नहीं आया था अब नेक्स्ट टाइम मैं दूसरे मॉल में, में जाऊंगी तो वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि लास्ट जो मैं मॉल गई थी वहाँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था और या ये भी कह लें कि बहुत देर में हम लोग गए थे तो टाइम वगैरह भी ख़त्म होने लगा था तो माइंड आपको ऑटोमेटिकली वो आ, सेट हो जाता है कि नहीं भाई यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि शॉपिंग हमेशा सुकून से की जाती है आराम से की जाती है हम लोग एक तो पहुँचे इतनी देर से थे और फिर उसके बाद ये भोग वगैरह भोग में आप ये सीधे एक बात आप जो है ना एक्सपीरियंस करके जरूर देखिएगा अगर आप खाली पेट आप हो ना तो आपसे शॉपिंग वगैरह नहीं होगी शॉपिंग करने जब भी आप लोग जाना है ना पेट भर के जाएँ या तो खाना वाना खाने के बाद शॉपिंग करें माइंड भी चलता है और समझ में भी आता है कि आपको क्या लेना है खैर ये मैं सीरियस कह रही हूँ अच्छा तो खैर ये मेरी शॉपिंग थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की अब क्या करते हैं अब मैं ले लेती हूँ कॉफी कॉफी की बात आप लोग से कंटिन्यू करते हैं सो so फ्रेंड्स मैं हाजिर हूँ अपनी कॉफी के साथ जिसे मैंने खुद अपने ही हाथ से बनाया है अच्छा आह क्या जबरदस्त इसकी कोई स्मेल आ रही है लुक करें आप भी देखें 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 ये देखें ये है मेरी कॉफी जिसे मैं अब ड्रिंक करने लगी हूँ आप लोगों के सामने तो एक सिर्फ तो बनता है एज यूज बहुत ही डिलीशियस तो खैर कॉफी तो मैं पी लूंगी खैर इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि आज मुझे अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि अली के फ्रेंड्स हैं तो वो हमारे घर आज जो है वो डिनर पे आ रहे हैं तो अब आप डिनर से तो समझ गए होंगे डिनर मीन्स कि मुझे किचन में जाना है और मजे मजे के पकवान बनाने हैं लोगों को खिलाना है तो बस मुझे अपने ब्लॉगिंग को यहीं पे एंड करना होगा क्योंकि आप जानते हैं दावत है शावत है तो मेन्यू भी बड़ा ही कुछ होगा आहा। 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 तो जिसकी मुझे तैयारी करनी है तो ब्लॉगिंग को मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती तो बहरहाल यहीं पर अपने ब्लॉग को एंड करते हैं आप लोग से इजाजत चाहूंगी अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा मुझे दो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो भी पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और हाँ आइकन दबाना ना भूलिएगा मिलते हैं आपसे नई मॉर्निंग नई स्टोरी के साथ जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें मुझे दो में याद रखें अल्लाह हाफिज़ टेक हाफिजेक गुड नाइट